वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा मिस्ट्री से भरी होने वाली है। इफ यू आर अ पोकेमोन फैन और तुमने अगर पोकेमोन देखा है तो तुमको पता है कि पोकेमोन वर्ल्ड में भी काफी सारी मिस्ट्रीज है, और उनमें से ही हम लोग कुछ मिस्ट्रीज के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे और कुछ मिस्टीरियस पोकेमोन्स के बारे में भी। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना क्योंकि आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड डेफिनेटली तुम लोग को पसंद आएगी, हर एक पोकेमोन फैन को। तो वीडियो में बने रहना क्योंकि मुझे पता है, मैंने बता दिया तुम्हें पसंद आने वाली है, पता नहीं कैसे बट आएगी। बाय द वे, इस वीडियो में सिर्फ हम लोग एक ही पोकेमोन के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, चार पांच पोकेमोन है जिसके बारे में काफी अच्छे तरीके से बात करेंगे एंड स्पेशली गॉड म्यूटू के बारे में, जिसको तुम इस वीडियो में काफी अच्छे से जान जाओगे। तो यह वीडियो को लाइक करना, लाइक हम रखते हैं 7000 लाइक्स का, आई नो तुम लोग कर दोगे यार। डेफिनेटली अगर कोई पोकेमोन फैन है तो उसने कांटो रीजन जरूर देखा होगा क्योंकि वहीं से पोकेमोन जर्नी स्टार्ट हुई थी। वहां पे हम लोग एक जायंट ड्रैगनाइट को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस लगता है क्योंकि वो पोकेमोन काफी ज्यादा बड़ा होता है। इवन ड्रैगनाइट की हाइट इतनी बड़ी नहीं होती क्योंकि इतना बड़ा टावर था एक तो बिल का, और उससे भी ऊंचा वो था, और वो भी वो सी लेवल पे खड़ा था, दैट्स वाई वो काफी बड़ा पोकेमोन था। और उसके जैसे हम लोगों ने गेंगार और एलेक्जाम को भी देखा था जिसके बारे में बाद में बात करेंगे, पर भी ड्रैगनाइट पे फोकस करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ड्रैगनाइट बेसिकली एक टोटेम पोकेमोन रहा होगा अलोला रीजन का। टोटेम पोकेमोन वो होते हैं जो कि नॉर्मल साइज से थोड़े बड़े होते हैं, एंड मैं डायनामिक्स इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि डायनामिक्स होने के लिए तुम्हें गलार रीजन में ही होना पड़ेगा और साथ ही साथ तुम्हारा ट्रेनर होना चाहिए, जो कि दोनों ही क्राइटेरिया वो जायंट ड्रैगनाइट फॉलो नहीं करता। तो बेसिकली ये टोटेम पोकेमोन हो सकता है अलोला रीजन का, जो कि अलोला रीजन से कांटो में आ गया हो, वैसे भी दोनों पास में ही हैं। भले ही कालोस रीजन में इंडिया में नहीं आया है उतने अच्छे तरीके से, बट जितना भी आया है काफ़ी लोग जानते हैं कालोस रीजन के बारे में एंड ऐश के स्पेशल ग्रेनिंजा के बारे में। आई थिंक सो सबको जानते होंगे क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहा है थ्रू आउट दिस वर्ल्ड और खासकर पोकेमोन फ्रेंचाइज में, और ऐसा होना भी था क्योंकि ग्रेनिंजा ऐश का काफ़ी ज़्यादा तगड़ा पोकेमोन रहा पूरे कालोस रीजन में, एंड तभी काफ़ी लोग चाहते हैं कि वो रिटर्न भी करे। बट बात यहाँ पे ग्रेनिंजा की नहीं चल रही, बात यहाँ पे चल रही है ग्रेनिंजा के पूर्वज और फादर की, जो कि हम लोगों ने कालोस रीजन के एक विलेज में देखा था। शायद से मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बना रखा है जिसमें मैंने काफ़ी अच्छे से इसको एक्सप्लेन भी किया है। यहाँ पे हम लोग को एक सेम ग्रेनिंजा देखने को मिलता है, ऐश ग्रेनिंजा, जो कि डिट्टो सेम लग रहा था ऐश के ग्रेनिंजा जैसा, जबकि ग्रेनिंजा सेम नहीं हो सकते। तुम बेसिकली ये वाली वीडियो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देना ना भूल जाओ, यहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छे से थ्योरी को समझाया है। नेक्स्ट पोकेमोन्स जिसकी हम बात करने वाले हैं वो रहेंगे जायंट एलेक्जाम और जायंट गेंगार। बीइंग अ पोकेमोन फैन तुम लोग को ये डेफिनेटली पता होगा, इवन काफ़ी सारे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने पोकेमोन को कंप्लीट नहीं किया है, बट उसके बावजूद वो ये बैटल को नहीं भूल सकते क्योंकि ये बैटल काफ़ी ज़्यादा डेंजरस थी। अगर 10-15 मिनट और चलता तो शायद से कांटो रीजन तबाह हो सकता था। वहाँ पे हम लोग को एक काफ़ी बड़ा सा एलेक्जाम और काफ़ी बड़ा सा गेंगार देखने को मिला, और उनकी पावर भी एक अल्टीमेट लेवल पर थी। तुमने देखा होगा ये एपिसोड तो तुमको डेफिनेटली पता होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एंड इस एपिसोड में जो हम लोग को गेंगार और एलेक्जाम देखने को मिले थे वो माना जाता है कि हम लोग पोकेमोन पॉलिस से देखने मिले थे। पोकेमोन पॉलिस काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस एरिया रहा है पोकेमोन वर्ल्ड में। वहाँ पे हम लोग को काफ़ी सारे मिस्टीरियस पोकेमोन देखने को मिले, लाइक ये साइडक का जो तुम डॉल देख सकते हो ये, और ये ब्रॉक के हाथ में जो एक पपी जैसा, एक पपी और कब लॉयन का तुम वो देख सकते हो, और ऐसे काफ़ी सारे मिस्टीरियस पोकेमोन पोकेमोन पॉलिस में देखने को मिले हैं। अननोन एक काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस पोकेमोन है एंड इसका नेम खुद डिस्प्ले करता है कि ये कितना ज़्यादा मिस्टीरियस है। लाइक ऐसा माना जाता है कि जो अननोन है वो काफ़ी ज़्यादा पुराने समय से रहा है, और अभी तक पोकेमोन वालों को ये डाउट है कि पहले लैंग्वेज आई है कि पहले अननोन, क्योंकि अननोन एक ऐसे ग्रुप है पोकेमोन के जो कि ऑलमोस्ट जितनी भी लैंग्वेजेस हैं पोकेमोन वर्ल्ड में वो सारी उनके अंदर है। सारी रोमन लेटर्स ही नहीं, और भी सारे जितने भी स्क्रिप्ट्स हैं उन सब के लेटर्स जो हैं अननोन प्रिस्क्राइब करता है, और इसी कारण काफ़ी लोग को डाउट है। और ऐसा भी माना जाता है कि जैसे कि बहुत सारी ऐसी थ्योरी है कि आर्शस के हज़ार हाथ हैं, और वही माना जाता है कि अननोन जो है वो आर्शस के हज़ार हाथ रहे होंगे एक टाइम पर। अननोन अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ भी क्रिएट कर सकता है, वो चाहे तो एक सेकंड में पूरा यूनिवर्स क्रिएट कर सकता है, और ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें। अगर तुमने अननोन एंड मिस्ट्री, अननोन का तहलका ऐसी कोई मूवी है वो देखा होगा तब तुमको पता होगा कि अननोन की पावर्स किस लिमिट तक जा सकती है। नेक्स्ट पोकेमोन शैडो पोकेमोन मार्श शैडो रहेगा।
अगर तुमने पोकेमॉन मूवी आई चूज यू देखी है तो वहाँ पे हम लोग को इस मिस्टीरियस पोकेमॉन्स की पावर देखने को मिली थी, जो कि किसी भी पोकेमॉन को मैनिपुलेट कर सकता है, इवन किसी के भी शेडोज में घुस सकता है और कुछ भी करवा सकता है उस बंदे से जो भी चाहे। और इतना ही नहीं, ये होहो के जो होहो का विंग सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है पोकेमॉन वर्ल्ड में, और उसको चाहे तो मार शेडो एक वक्त में बहुत गंदा भी बना सकता है। ये काफ़ी बड़ी बात है क्योंकि इवन गॉड लेवल पोकेमॉन्स भी होहो के विंग को ख़राब नहीं कर सकते, बट मार शेडो कर सकता है। और मार शेडो अपने अंदर काफ़ी सारे ईवल और नेगेटिव एनर्जी स्टोर करता है, जो कि चाहे तो वो किसी पोकेमॉन को देकर नेगेटिव एनर्जी देकर कुछ भी करवा सकता है, जो भी वो चाहे। इसी कारण आई चूज़ यू मूवी में उसने सारे पोकेमॉन को मिलवा कर एक अल्टीमेट मूव करवाया था, जिसके कारण ऐश और पिकाचू की डेथ हो गई थी। इवन इतना ही नहीं, पोकेमॉन वर्ल्ड में जो भी इसके रहस्य को जानने की कोशिश करता है, बेसिकली मार्शेडो उसको मार देता है। और अभी तक पोकेमॉन वर्ल्ड में मार्शेडो के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं की गई है, इसी कारण। सेकंड पोकेमॉन आता है गॉड म्यूटू, जिसके बारे में तुमने थंबनेल, टाइटल और इवन इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी मेरे से सुना होगा। तो हाँ, चलो गॉड म्यूटू के बारे में और ब्रीफ में बात करते हैं। बेसिकली गॉड म्यूटू काइंड ऑफ म्यूटू ही है, जो कि फेलियर रहेगा म्यूटू का। लाइक काफ़ी सारे मूवीज़ में भी हमने देखा है कि म्यूटू के बेसिकली दो ट्यूब्स बनाए गए थे, जिसमें से एक म्यूटू में से जो फाइनल म्यूटू था वो रेडी हुआ, और एक म्यूटू जो फेल म्यूटू रहा। वो फेल म्यूटू इसलिए बना क्योंकि वो बेसिकली करप्ट हो गया था। उसका रीज़न ये रहेगा क्योंकि वो म्यूटू काफ़ी ज़्यादा ईवल और नेगेटिव एनर्जी स्टोर करने लग गया अचानक से, पता नहीं क्यों। क्योंकि तुम लोग को पता है कि उसको क्लोन करके बनाया गया था, और इतना ही नहीं, तुम लोग को पता होगा कि म्यू से ही म्यूटू को बनाया गया है। सो तुम ये जानते हो कि म्यूटू के अंदर म्यू जैसी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली एबिलिटी नहीं है, इसी कारण, क्योंकि अगर वो होती तो वो करप्ट हो जाता पिछले म्यूटू की तरह। पिछले म्यूटू के अंदर म्यू की ये वाली एबिलिटीज़ को डाला गया था, जिसके कारण म्यूटू एग्जैक्टली किसी में ट्रांसफॉर्म तो नहीं हो सकता था, बट किसी पोकेमॉन को अपने अंदर एब्जॉर्व करके उसके जैसा बन जाता था, और उसकी पावर भी उसके अंदर आ जाती। इसी कारण पोकेमॉन कंपनी ने उसको कोई स्पेशल नेम नहीं दिया, और जबकि पोकेमॉन फैंस ने उसको एक स्पेशल टर्म दिया, जो कि था गॉड म्यूटू। इसी कारण, क्योंकि वो किसी भी पोकेमॉन को अंदर एब्जॉर्व करके किसी की भी ताकत ले सकता था। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप यू एंजॉयड टुडेज वीडियो। मुझे बताना तुम्हें आज की वीडियो कैसी लगी, और यही कुछ मिस्ट्रीज थे जो बेसिकली मुझे तुम लोग को बताने थे। अगर तुम्हारे मन में और कोई मिस्ट्रीज है, मुझे पता होंगे, तो मैं हाँ उनको जरूर बताऊंगा। बट एक काम करो, इस वीडियो को 7000 लाइक एम कर दो। जितने जल्दी इसका लाइक एम पूरा हो जाएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो उतने इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस पोकेमॉन के साथ लेके आऊँगा। तो लाइक एम पूरा कर देना, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड आज हर एक को कमेंट करके बताना पड़ेगा। एंड अगर तुम और ऐसे मिस्टीरियस पोकेमॉन के बारे में जानना चाहते हो, तो भाई सब्सक्राइब करो ना, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल पे करो, ताकि अगर नेक्स्ट वीडियो आती है तो तुम लोगों को पता चल सके। तो सब्सक्राइब कर देना, और आज का पोकेगो से कौन सा पोकेमॉन है जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ, एंड सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डू चेक इट आउट। सो मिलते हैं हमेशा की तरह किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।